हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज अभी भी अभी बैक टू माय एकेडमी में, और आज डिसाइड कुछ और हुआ था, बट ये वो कुछ और गया है। अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले ब्लॉग शूट करना था घर का, सो घर का ब्लॉग तो अब शूट नहीं करूँगी क्योंकि आज आपको चिड़गांव में शिव मंदिर हम दिखाएंगे कि यहाँ बहुत ब्यूटीफुल शिव मंदिर है। और हमारे साथ आज बर्थडे गर्ल भी है गाइस, सो आप इनको ब्लेसिंग दे सकते हैं। रुको, अभी बर्थडे गर्ल की ओर करती हूँ मैं अभी कैमरा। अभी बर्थडे गर्ल बिल्कुल अपने फ़ोन में मस्त मगन पड़े हैं। तो गाइस ये देखो बर्थडे गर्ल, ये बिल्कुल बिल्कुल अभी आज फोन में व्यस्त है। हेलो करो मैम। हाँ, सो आप इनको ब्लेसिंग दे सकते हैं बहुत सारी, और अपना जो भी आप ब्लेसिंग देना चाहें आप कमेंट बॉक्स में कर देख सकते हैं, और हम बाद में आपको देख के रिप्लाई कर लेंगे। ये देखो मैम अभी बहुत बिजी है। सो गाइस आपको आज ले जाएंगे हम शिव मंदिर। सो गाइस आज आपको शिव मंदिर दिखाएंगे। अभी हमने आपको बर्थडे गर्ल दिखा दिया है। बर्थडे गर्ल मैम अभी लगे हुए हैं कुछ काम करने, काम नहीं है फोन में लगे, आज फोन में बनता ही रहता है ना। सो बाकी देखो, ये देखो इधर, ये देखो जरा इन लोगों को, ये प्लीज इनकी कार इनके साथ कार्रवाई की जा रही है। लबू मैम के साथ कार्रवाई की जा रही है। करीना मैम तो भाग ही गए, अब मैम भाग गई। मैम फिर से करो, प्लीज करो, करो करो। तो मैम कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इनके भालक साथ करो। सो गाइस ये देखो हम नबू मैम को छेड़ते रहते हैं ज्यादा, है ना मैम। सो अभी हमने और भी चीज़ें कर दी है, वो हम आपको दिखाएंगे। बट ये अच्छी बात ये है कि आज शिव मंदिर भी दिखाएंगे, नहीं तो मुझे बताया गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे जब भी ब्लॉग बनाती है बर्थडे का ही ब्लॉग बनाती है, लेकिन आज हम कुछ और भी बनाएंगे, फिर और भी दिखाएंगे आपको चीज़ें। बर्थडे के साथ साथ शिव मंदिर दिखाएंगे जो चिड़गांव में है, और बहुत अच्छा है। सो बने रहिए मेरे साथ, आज का ब्लॉग मज़ेदार बनने वाला है। सो गाइस हमारा केक रेडी हो गया है, और इस बार हमने डेकोरेशन नहीं करी है, हमने सोचा कि चलो सुबह तरीके से कुछ चीज़ें बनाते हैं, और उससे अच्छा हम घूमने चले जाएंगे शिव मंदिर। और यहाँ देखो नबू मैम ने कर दिया ये तैयार, अब हम काजल मैम को बुलाएंगे थोड़ी देर में, फिर हम चीज़ें करेंगे बर्थडे कटिंग। सो गाइस आप देख सकते हो काजल मैम उधर गए हैं, ये लगे हैं फ़ोन पे गप्पे मारने, अब हम इनको लेने आ गए हैं। हमने बहुत सुपर तरीके से करी है चीज़ें। आ जाओ जाओ जल्दी यार, हमारी कैंडल जल जाएगी। ये देखो दोस्तों ये अरे आ जाओ बस बस मानने पर बैठे गए ले फोन में चुके। देखो गाइस हाँ कुछ नहीं है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी, हम देखो स्वागत के लिए खड़े हैं। क्या कुछ नहीं है, जल गया देखो। सुनो तो काजल मैम कैसा फील हो रहा है, हाँ ये बहुत खुश है दोस्तों। हाँ रुको रुको, रिफ्रेशमेंट आपको दिखाती हूँ दोस्तों। मैं तो काजल मैम बताने आई थी क्योंकि एक और धमाका है इनके लिए, वो इनके लिए शॉकिंग होने वाला है। सो गाइस बने रहे बने रहे। सारे बच्चे
सो गाइस हम चलते हैं रिफ्रेशमेंट की ओर, आप दिखाते हैं रिफ्रेश। वाह ये देखो, ये मैम भी कोल्ड ड्रिंक भी कर रहे हैं इधर। वाह ये सर्व करने वाले हैं। हेलो हेलो करो मैम। हाँ हमारी नवनीता मैम भी है, बेकरी ना मैम, सॉरी 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 मैम। देखो मैम ना इधर अनूप भी है, अनूप भी तो फोन में चिपके हुए हैं बिल्कुल। हाँ ये खाने वाले हैं, तो बच्चे ले रहे हैं रिफ्रेशमेंट। मैम को भी थोड़ा जल्दी जाना था, मतलब मैम को इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं ताकि चीज़ें हम जल्दी जल्दी कर सकें। और पार्टी तो ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को जैसे बोला था हमने शिव मंदिर दिखाएंगे, तो जाते हैं शिव मंदिर पर आपको सारे दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम चल पड़े हैं, इधर देखो मैम भी चल पड़े और हम जा रहे हैं शिव मंदिर। हाँ ऐसे में ना काफ़ी देखो मतलब अच्छा डिफरेंट लाइक देखो आप। सो हम जा रहे हैं शिव मंदिर, अभी ले चलते हैं आपको भी अपने साथ। सो गाइस देखो इतनी चढ़ाई है इधर, फिर भी हम चल रहे हैं चढ़ाई में। यहाँ ऊपर से मैम से पार्टी लेने के लिए बिल्कुल पेट खाली करके आए हुए हम, तो मैं तो बिल्कुल पेट खाली करके आई हूँ अपना दोस्तों। सो और इधर तुम आप देख सकते हो यहाँ ना मैचेस भी लगे हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये मैचेस किसके किसके, मतलब कौन खेल रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, नो आइडिया। और नीचे देखो नबू मैम, ये देखो ये जूम कर दी मैंने नबू मैम, देखो दोस्तों भाग रहे हैं कहीं ना कहीं, ये क्या कर रहे होंगे मैम पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो अनूप भी है साथ में। अच्छा बॉल, वाह मैम बॉल देख रहे हैं। ये देखो कहीं ना मैम मजे आ रही चल के। हाँ वाह ये देखो अब हम चलते हैं। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं ये चढ़गांव का शिव मंदिर है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। इसकी इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, अभी मैं थोड़ा सा नीचे हूँ जिस वजह से ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन हम वहाँ दिखा देंगे आपको। हाँ ये ऐसे, अब ये देखो काजल मैम, करीना मैम और अनूप और नव्या मैम। मैम आप क्या बॉल दे रहे थे? ओके मैम दे रहे थे बॉल। यार सीढ़ियों ने ना दुखी कर दिया, अब हम चलते हैं फिर। यहाँ से आप चढ़गांव का थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं, बस स्टैंड वाला एरिया ये देखो दोस्तों इधर। और इधर ऊपर क्या है मुझे नहीं आता उनका इन गांव का नाम, लेकिन आप इधर देख सकते हो। हाँ मैम को पता है, नहीं ये तो हाँ ये तो खुशदार है ना इधर दोस्तों, बस इधर और सारी चीज़ें पता नहीं क्या है पर। लेकिन हम देखो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लोकेशन पे है केदारनाथ की चढ़ाई। मज़े की बात यह है दोस्तों यहाँ पे मंदिर आज बंद है और अब हमारे को बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि मंदिर तो बंद है। आई थिंक बाहर से तो जा सकते होंगे मैम, बाहर से। सो ये मंदिर बंद है दोस्तों इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा सकते हम। अब हम यहाँ थोड़ा सा ना फोटो शूट कर देते हैं क्योंकि मंदिर तो आपको जितना दिखाना था हमने दिखा दिया, अब नहीं ये दिखने वाला है क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, अभी बंद है। हम पहुँच गए हैं दोस्तों अन्नपूर्णा, ये आगे भुखड़ लोग सारे के सारे सारी के सारे। हम कहाँ बैठ रहे हैं यहाँ? हाँ यार यहाँ तो लाइट्स ऑन होनी चाहिए थी। मैं तो वैसे भी नॉन वेज। सो गाइस हम पहुंच गए बट यहाँ अंधेरा है बिल्कुल यार यहाँ। सो गाइस हम यहाँ बहुत धूल आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है आगे वाली साइड को, तो जगह सारी फुल है। और सुबह हम लंच का वेट कर रहे हैं, हमारा लंच का ऑर्डर तो हमने दे दिया है लेकिन पता नहीं कब तक आता, देखते हैं। बाकी चढ़ाव में अच्छी जगह है क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट तो हम नहीं जानते हैं, मतलब मैं तो नहीं जानती ना, मैं ज़्यादा गई हूँ। तो कभी भी आप लोग चढ़ाव आएगा इस गाँव को मैं जरूर जाएगा, यहाँ काफ़ी बोलो ना हमारे पास, हमारे पास। हाँ सही बात है हमारे पास
ये अनुभव है हमारे पास, वेट करते हैं थोड़ा सा आएगा हमारा, जैसे लंच फिर करते हैं हम। सो गाइस फाइनली हमारा खाना आ गया है, यहाँ चीज़ वाली सिर्फ मैं चीज़ खाती हूँ, बाकी ये सारे चिकन के शौकीन हैं। सो अब हम खाना खा लेते हैं सबने, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो मैम सर्व कर रहे हैं, अच्छा मैम अच्छे सर्व कर रहे हैं। ये सारे चिकन के शौकीन हैं, चीज़ वाली बेचारी मैं ही। आप खाओ एक चाय, दो खाओ। फ्रेंड्स फाइनली हमारा खाना हो गया खत्म, अब मेरी तो हालत माड़ी हो गई है, अब मेरे से ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा खा लिया, बट अब खाना खुना खा के हम फ्री हो गए हैं। अब हम वापस जाएंगे सेंटर एंड फिर देखते हैं कुछ चीज़ें वो भी करेंगे, अदरवाइज तो फिर बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स फाइनली मैं हम लोग सेंटर पहुँच चुके हैं, खा पी के और हालत इतनी ख़राब है, अब हमें इतना आलस लग रही थी, बहुत ज़्यादा खा लिया था जिस वजह से आलस बहुत लग गया है। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, बहुत लर्नेबल भी था, इन्जॉयबल भी था, क्योंकि सीखने के लिए कोई भी चीज़ हम कभी भी सीख सकते हैं। तो मजे आई आज और खा इतना दिया है, पूछो मत, फोटोज़ ले लिए, इन्जॉय कर दिया, सब कुछ कर दिया है। सो गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, आपको कौन सा पार्ट हमारे ब्लॉग का अच्छा लगा उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और विशेज भी दे सकते हैं, सब कोई नहीं है कि कल आज ही विशेज दे सकते हैं, दे सकते हैं, हम पूरा पूरा आपको आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। और बाकी हम बताते रहिए कि देखो यहाँ तक मैं चैन नहीं आता है ना, जब तक आएंगे नहीं बाय, तो मैं भी बाय बोले खा खा के खुश पड़े हुए हमको। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।